अगर आपने हमारे चैनल डिसेंट कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी फौरन ही सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल के नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए ताकि तमाम नए नोटिफिकेशन तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में एक बार तबाह फिर जॉब्स आ गई हैं। जी हाँ, सिंध पुलिस जूनियर कलर की जॉब है ये, ठीक है जी। और ये देखिए सीपीओ यानी कि सेंट्रल पुलिस ऑफिस में जॉब्स हैं ग्रेड 11 के लिए, जूनियर कलर के लिए। तो क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, आखिरी तारीख क्या है, अप्लीकेशन फाइल करने का क्या तरीका होगा, तमाम डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक पूरा देखिएगा और समझ लीजिएगा कि क्या करना है। और अगर कोई चीज़ बताने से रह गई, कोई सवाल आपके जहन में है तो ज़रूर पूछिएगा। वीडियो के बिल्कुल नीचे कमेंट्स बॉक्स है, जी हाँ बिल्कुल नीचे कमेंट्स बॉक्स है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा कोई भी चीज़ आपके जहन में अगर है या अगर मेरे से कोई चीज़ बताने से रह जाए तो। लेकिन उससे पहले वीडियो को पूरा देखिएगा लाजमी, ताकि तमाम चीज़ें आपके समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा अपने व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होने का तरीका, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा इस जॉब के तमाम डिटेल्स। जी सबसे पहले जिस तरह के मैं आपको बता रहा था कि जी ग्रेड है 11, जूनियर क्लर्क, ठीक है जी। और सेंटर पुलिस ऑफिस सीपीओ कराची, सिंध की वैकेंसीज है ये। अब देखिए इसमें जो जनरल वैकेंसीज है वहाँ 49 यानी कि 49, 3 है माइनॉरिटी यानी कि गैर मुस्लिम के लिए, वुमेंस के लिए भी 3 है, इस तरह टोटल 55 वैकेंसीज हैं, ठीक है। यानी कि गैर मुस्लिम और ख़वातीन भी अप्लाई कर सकती हैं इसमें। तालीम क्या है, इंटरमीडिएट है और उसके अलावा एमएस ऑफिस का कोर्स है, ठीक है जी। और 30 अल्फाज पर मिनट आपकी इंग्लिश की टाइपिंग होनी चाहिए। उम्र क्या है, 18 से 25 यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन 15 साल की रायत भी है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर हमारे पास जो है 5, उसमें 15 साल की रायत है। तो इस तरीके से उम्र जो आपकी बन जाएगी वो 18 से लेकर 42 साल के बीच में, ठीक है जी। याद अब ये तमाम डिटेल्स आपको समझ में आ गई। तो अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो देखिए इंपॉर्टेंट नोट सबसे पहले कि किस तरीके से अप्लाई के क्या क्या चीज़ें हैं इसकी एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वीडियो के बिल्कुल ही नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन है लाल रंग से लिखा हुआ, तो उसको सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन आएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि तमाम नए नोटिफिकेशन तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। सबसे पहले तो देखिए जो इनकी वेबसाइट है www.pts.org.pk, इसमें तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। 290 रुपए का जो है इसमें आपको प्रोसेसिंग फीस है, यानी कि पहले बैंक में जमा करानी होगी और फिर टेस्ट वगैरह पास करने के बाद 50 रुपए बाद में जमा कराने होंगे। उसके अलावा देखिए 15 साल की जो एज की रहा था वो मैंने आपको पहले बता दी है। फिर देखिए 40% जो है अर्बन है, सिंध अर्बन, और 60% सिंध रूरल का कोटा है। याद रखिएगा कि जो जनरल वैकेंसीज है इनके लिए भी कोटा है, जनरल वैकेंसीज 49 जो है इसमें, देखिए जिस तरह की इसमें डिटेल्स में आगे लिखा हुआ है कि जी 40% जो है अर्बन और 60% जो है रूरल्स का कोटा है, याद रखिएगा, ठीक है जी। मज़ीद डिटेल और डिसेबल पर्सन का कोटा भी है इसके अंदर। मज़ीद डिटेल के लिए हम इनकी वेबसाइट में चलते हैं और साथ साथ मैं आपको बता दूंगा आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए जिस तरह के हम पहुंच गए हैं सबसे पहले पीटीएस की वेबसाइट में, www.pts.org.pk। इसमें हम जब नीचे आते हैं तो देखिए ये ऑप्शन आ रहा है सिंध पुलिस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, ठीक है, SPD 424 CPO यूनिट, ठीक है, सेंट्रल पुलिस डिपार्टमेंट। एप्लीकेशन फॉर्म और एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट में आपको यही ऐड मिलेगा लेकिन बहुत गंदा होगा जो कि यहाँ देख रहे हैं। और साथ साथ जो है एप्लीकेशन फाइल जो है वो आपको जो है इसी में मिलेगी, एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें हम डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड होकर डेस्कटॉप में आ जाएगा, ठीक है जी। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या फॉर्म है, उसके बाद मज़ीद डिटेल आगे देखते हैं। ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म तो हमने नेट से डाउनलोड कर लिया है पीटीएस की वेबसाइट से। लास्ट डेट जो है वो 20 जनवरी 2021 है और किसी किस्म के कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपको इसके साथ नहीं लगाने हैं। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो आपको फॉर्म पे मिलेंगी। तो ये देखिए फॉर्म हमने डाउनलोड कर लिया, सिंध पुलिस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, फेस 6, SPD 424, ठीक है जी। फॉर्म फिल करने का तरीका मैं इंशाल्लाह आपको दूसरी वीडियो में बताऊँगा किसी, ठीक है जी। तो फिलहाल ये फॉर्म है, ये देखिए मुकम्मल फॉर्म मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। फॉर्म फिल करने का तरीका दूसरी वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, मैं उसमें आपको बताऊंगा। अब देखिए यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगानी है एप्लीकेशन फॉर्म में, थंब वगैरह देखिए डिटेल्स है, आधार का NIC आपको साथ लगाना है, क्लियर और साफ सुथरी पिक्चर। इसके अलावा बैंक स्लिप जो कि बैंक में जमा होंगी, ये देखिए ये है, इसमें से जो है एक स्लिप, देखिए तीन स्लिप होती हैं यहाँ पे, ठीक है जी। ये देखिए ये डिपॉजिट स्लिप, PTS कॉपी, बैंक कॉपी, ठीक है जी। तो ये बैंक वाले रख लेंगे और जो PTS वाली आपको होगा ये आपको इस फॉर्म के साथ भेजना और इसकी फोटोकॉपी करा के अपने पास भी रखना आपके याददाश्त के लिए, ठीक है जी।
याद रखिएगा, बैंक स्लिप बैंक वाले रखेंगे, पीडीएस की स्लिप आपको ओरिजिनल भेजनी है फॉर्म के साथ, और फोटोकॉपी अपने पास रखनी है। कहाँ भेजना है ये फॉर्म? ये पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस, पीटीएस हेडक्वार्टर, थर्ड फ्लोर, अदील प्लाजा, फजल हक रोड, ब्लू एरिया, इस्लामाबाद, इस पते पे भेजना है। आखिरी तारीख मैंने आपको बता दिया है से, जिस तरह के आप देख रहे हैं कि 20 जनवरी 2021 आखिरी तारीख है। ठीक है जी, तो फॉर्म फिल करने के लिए शायद मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, तमाम डिटेल मैं आपको बता दूंगा। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको डिटेल्स जॉब की तमाम पता चल गई होंगी। अप्लाई करना चाहे तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं, कोई चीज़ रह गई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं जल्दी नहीं किसी जॉब के साथ, अल्लाह हाफिज़।